अभी हम लोग कानपुर गए, एक विधायक को झूठे मुकदमे में फंसा दिया। अन्याय बहुत दिन चलने वाला नहीं है। फर्जी आधार कार्ड और बांग्लादेशी नागरिक को संरक्षण देने समेत अन्य कई मामलों में यूपी पुलिस के शिकंजे में आए सीसा मऊ से समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव लगातार हमलावर। अभी बहुत लंबा सफर है और इधर सरकार का न्याय लगातार बढ़ता चला जा रहा है। अभी हम लोग कानपुर गए, एक विधायक को झूठे मुकदमे में फंसा दिया। सरकार ये सोचती है कि कानपुर गए तो महाराजगंज पहुंचा दिया, और अगर हम महाराजगंज मिलने चले जाएंगे तो हो सकता है वो दूसरी जेल में पहुंचा दें। दरअसल शुक्रवार को पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की 120वीं जयंती पर इटावा में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस दौरान सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, उनके चाचा शिवपाल यादव और मैनपुरी से सांसद डिंपल यादव मंच पर थी। इस दौरान इरफान सोलंकी के मुद्दे पर अखिलेश ने प्रदेश की योगी सरकार को घेरते हुए कहा कि प्रदेश में भाजपा का अत्याचार बढ़ता जा रहा है, लेकिन ये अन्याय बहुत दिनों तक नहीं चलेगा। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों हम कानपुर गए, भाजपा सरकार ने हमारे विधायक इरफान सोलंकी की जेल बदल दी और महाराजगंज जेल भेज दिया। अखिलेश यादव ने चेतावनी देते हुए कहा कि वो किसी भी जेल में ले जाएंगे, हम अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं से मिलने हर जेल तक जाएंगे। सरकार ये सोचती है कि कानपुर गए तो महाराजगंज पहुंचा दिया, और अगर हम महाराजगंज मिलने चले जाएंगे तो हो सकता है वो दूसरी जेल में पहुंचा दें। सरकार जेलों में जेल बदलेगी, हम लोग हर जेल में मिलने जाएंगे। वो जितनी जेल बदलना चाहे जेल बदले, और हम लोग हर जेल में जा करके अपने नेता कार्यकर्ताओं से मिलने का काम करेंगे। अखिलेश यादव यहीं नहीं रुके, उन्होंने कहा कि बहुत जल्द ही समाजवादी पार्टी भाजपा सरकार के अन्याय और अत्याचार के खिलाफ जेल भरो आंदोलन शुरू करेगी, और इसके लिए जल्द ही हम नेताओं के साथ बैठक करेंगे और जेल भरो आंदोलन का ब्यौरा तय करेंगे। अन्याय बहुत दिन चलने वाला नहीं है। वो जानते हैं कि जिस दिन समाजवादियों ने ऐलान कर दिया जेल भरो, उसी दिन उनका अन्याय खत्म हो जाएगा, और हम लोग भी इंतजार कर रहे हैं कि जैसे ही हमारी पार्टी के नेता कार्यकर्ता हम लोग मिलकर के बैठेंगे और तारीख तय कर देंगे कि किस दिन से हम लोग जेल भरो का आंदोलन जिस तरीके से नेताजी छेड़ते थे उसी तरह का हम लोग आगे चलाने का काम करेंगे। आपको बता दें कि आगजनी, फर्जी आधार कार्ड से हवाई सफर और बांग्लादेशी नागरिक डॉक्टर रिजवान को संरक्षण देने समेत अन्य आरोप में सपा विधायक इरफान सोलंकी 2 दिसंबर से यूपी पुलिस के शिकंजे में, और बीते बुधवार को ही उन्हें कानपुर की जेल से महाराजगंज की जेल में शिफ्ट किया गया, और उसके 2 दिन पहले अखिलेश यादव ने कानपुर जेल पहुंचकर अपने विधायक से मुलाकात की थी।